नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले वड़ी, तीन दाल मिक्स करके बनाई जाती है दोस्तों, बहुत ही पारंपरिक रेसिपी। कभी घर में सब्जी ना हो या सब्जी महंगी हो जाए तो बाजारों में जाना भी कंटाला आ जाता है, तो आप ये इजीली बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगती है रेसिपी, आप देख सकते हो, आप इसे सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम एकदम परफेक्ट प्रमाण बता देते हैं, तो एकदम परफेक्ट एक मंगोड़ी यानी कि बड़ी बनती है दोस्तों, और सालों तक इसे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो चना दाल लेना है और इसे हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। हाँ दोस्तों, चना दाल को 2-3 पानी से पहले धो लेना है फिर भिगोना है, तो ये प्रोसेस मैंने पहले ही कर ली थी और चना दाल हमारी अच्छी तरह से भिगो हो चुकी है, इजिली टूट रही हाथों से, यानी समझ में आता है कि परफेक्ट है। अभी इसमें कौन सी दाल लगती है वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/2 किलो चौली की दाल, तो इसे भी हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था, 2 या 3 पानी से इसे हमने धो लिया है। यहाँ पे हमने बिना छिलके की लेनी है, देख सकते हो। यदि आपके यहाँ पे नहीं मिलती होगी बिना छिलके की, कोई बात नहीं, आप छिलके भी इसमें ले सकते हो, खाली छिलके निकालने में ज्यादा हार्ड हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बिना छिलके की लिया हुआ है। और ये दाल भी हमारी अच्छी तरह से भिगो कर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1/2 किलो मूंग दाल। देखो, 1 किलो चना दाल वापस रिपीट करोगे जब आप घर पे बनाओगे इस तरीके से वड़ी, तो आप बोलोगे सही में बहुत ही बढ़िया बन गई वड़ी। तो 1/2 किलो, 1 किलो हमने चना दाल लिया था, 1/2 किलो हमने चौली की दाल, तो 1/2 किलो यहाँ पे हमने मूंग दाल लेनी है। इसे भी हमने रात भर पानी में भिगो कर रखी थी, तो इसकी जो तीनों दाल की जो टेस्ट होती है दोस्तों वड़ी में, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। अभी यहाँ पर हम लेंगे मिक्सर जार। अभी जो दाल हमने भिगो के रखी थी तीनों के तीनों, इसे में दरदरा पीस लेना है, तीनों दाल इसमें डाल देना है, यहाँ पर सेपरेट भी आप इसे पीस सकते हो। तो यहाँ पे हमने दाल लेनी है, इसे निथार के लेना है, तो सारी दाल इस तरह से हमें दरदरा पीस लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे चना दाल भी हमने इसमें डाल दी, तो इसे अच्छी तरह से पीस कर लेते हैं दरदरा। हाँ दोस्तों, हमने जब मिक्सर में डाला, इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी हमें डालना नहीं, सिर्फ इसको ऐसे ही पीसते जाना है, पानी एक्स्ट्रा डालो मत, नहीं तो डालोगे तो वड़ी हमारी बराबर बनेगी नहीं। अब यहाँ पर हमने दाल सारी पीस ली, आप देख सकते हैं इस तरीके दरदरा, थोड़ा भी यहाँ पे हमने पानी नहीं डाला है दोस्तों। अभी हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन। अभी देखो, 1 किलो चना दाल था, 1/2 किलो चौली की दाल लिया था, 1/2 किलो मूंग की दाल, यानी टोटल यहाँ पे हमने 2 किलो की मंगोड़ी बना रही है, यानी कि वड़ी। तो इसका ये परफेक्ट प्रमाण है दोस्तों, 100 ग्राम अदरक लेना है और 100 ग्राम लहसुन लेना है, गिनकर लेना है दोस्तों, और उसी के मेजरमेंट से 100 ग्राम हमने हरी मिर्च लेनी है। अभी आपको लगा इतना तीखा, नहीं दोस्तों, तीखा थोड़ा भी यानी थोड़ा भी लगेगा नहीं, इसका ये परफेक्ट प्रमाण है दोस्तों। अब इसे बिना पानी के ही दरदरा पीस लेते हैं। अब यहाँ पे इसे हमने बिना पानी के अच्छी तरह से पीस लिया है। अब यहाँ पे जाएगा ढेर सारा धनिया। हाँ दोस्तों, धनिया का कुछ प्रमाण है, आपके हिसाब से इसमें धनिया कम या ज्यादा डाल सकते हो। 2 चम्मच जीरा ले लेते हैं, 2 चम्मच हल्दी, छोटी वाली हल्दी, छोटा वाला चम्मच लेना है हल्दी का। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, देख सकते हो, अभी 2 किलो तो थोड़ा नमक ज्यादा ही लगेगा। अब यहाँ पे जो हमने पीसा हुआ मसाला था वो डाल देते हैं एकदम, अभी इसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू चला लेना, एक ही डायरेक्शन, जब तक की चला, जब तक हमारा ये बैटर ना हल्का ना बन जाए, तभी हमारी जो बड़ी हल्की हल्की बनेगी, खाने में एकदम बढ़िया लगेगी। ये एकदम मेरे दादी माँ का प्रमाण है दोस्तों, मेरी दादी माँ थी तो वो इस तरीके से बनाया करती थी, तो बहुत ही परफेक्ट होता था। और ये फेब्रुआ जो मार्च का जो धूप आता है ना, यानी कड़कती, उसमें ही बनाना बहुत ही बढ़िया लगती है ये वड़ी। बाद में आप बनाने जाओगे तो बारिश का सीजन आ जाता है, फिर वो जो वातावरण होता है ना हमारा, वो अलग ही हो जाता है। अब इस वातावरण में कैसे एकदम कड़क होती है धूप, तो हमारी वड़ी भी एकदम परफेक्ट बनती है, एक ही दिन में बनकर तैयार हो जाती है। अभी इसे एक ही डायरेक्शन में 2 मिनट कंटिन्यू में चला लेती हूँ। अभी यहाँ पर हमने 5 मिनट कंटिन्यू चला लिया, पहले से कितना हल्का बैटर हमारा हो चुका है आप देख सकते हो, और फुला फुला भी बन गया है। हाँ दोस्तों, अभी आपको लगा इतना सारा, ये हम लोग साल भर के लिए बना रहे हैं दोस्तों, कोई घर में अचानक मेहमान आ जाता है या घर में कोई सब्जी नहीं होती तो ये इजिली आप बना पाओगे एकदम झटकी पर, देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी हम लोग चेक करके बताते हैं चेक कैसे करना है वड़ी को। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी में पानी ले लेना है और इस वड़ी को डालना है। ये ऊपर आ गई तो समझ में आता है कि हमारा जो हमने फेटा था यानी ये बैटर तो परफेक्ट हो गया, और नीचे बैठ गया तो समझ में आया कि अच्छा किया नहीं यानी चलाया नहीं, एकदम परफेक्ट हो गया है आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हमने ट्रे लेना है, आपके घर में जो थाली वगैरह कुछ भी हो वो ले लेना है। अभी मेरे पास ये ट्रे पड़ा था तो इसमें मैं करने वाली हूँ। यहाँ पे तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, अभी हाथों में ये लेना है और छोटी छोटी वड़ी निकालते जाना है इस तरीके से, देख सकते हो छोटी छोटी एकदम नजीक नजीक डालना है। आपको साइज छोटी या बड़ी चाहिए आपके हिसाब से साइज डाल सकते हो, और इस तरीके से वड़ी डालते जाना है हमें और धूप में रख लेना है। यदि आपको थाली में नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, आपने कपड़ा लेना है, कपड़े भी आप डाल सकते हो। अभी मेरी बहुत सारी वड़ी है ना, तो मैं आधा कपड़े पे डालूंगी आधा थाली पे डाल देती हूँ। अब यहाँ पे हमने टेरिस पे कपड़े पे वड़ी निकाल ली, आप देख सकते हो अभी एक धूप हमने कर लिया हुआ है। अभी सारी वड़ी को हमें निकाल लेना इस तरीके से, देखो एकदम इजीली निकल रही है, एकदम इजीली परफेक्ट, कपड़े पे तुरंत ड्राई हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने थाली पे रखा था थोड़ा कम सूखा, तो और इसे एक धूप रखना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से सारी वड़ी हम निकाल लेते हैं हाथों से ही। अब यहाँ पे हाथों से इजीली निकल रहा है, देख सकते एकदम इजीली बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है दोस्तों ये, और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है ये वड़ी हमारी। तो क्यों ना भी सारी वड़ी ऐसे ही निकाल लेते हैं हम हाथों से ही। तो आज की ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे सब्जी, इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है दोस्तों। तो आपको आज का वीडियो हमारा कैसे लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है।